वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुम्हें मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हो या नहीं? भाई मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूँ कि टॉपर जो टीम्स हैं वो अपने सारे मैचेस हार जाएं और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाए और बाकी जो मैचेस हैं उन्हें बारिश हो जाए ताकि किसी को भी 2 पॉइंट्स ना मिले और उस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की सारी स्पॉटलाइट ले रही है। कोई भी वर्ल्ड कप की न्यूज हो पाकिस्तान टीम के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। यार एक बात बताओ, आजकल पर्ची पर्ची का क्या शोर मचाया हुआ है? माना इमाम उलग भांजा इंजमाम उलग का और इंजमाम मामू इमाम का। तो भैया उसकी अच्छी किस्मत है कि उसका मामू चीफ सेलेक्टर है, तुम लोगों के पेट में क्यों गड़बड़ हो रही है? भाई अगर तुम्हारा मामू भी चीफ सेलेक्टर होता तो तुम लोग भी सोर्स लगवाते, भले तुम्हें बैट पकड़ना भी आता हो या नहीं। तुम्हें से हर एक शख्स पर्ची पर्ची के नारे लगा रहा है ना, वो मोबाइल भी लेने निकलता है तो दोस्तों से पूछता है यार तुम्हारा कोई जानने वाला है तो डिस्काउंट मिल जाए। तो भाई इंजमाम तो उसका मामू है। भाई मामू है टीम में ओपनिंग बैट्समैन की पोजीशन पर आया है और डोमेस्टिक और पीएसएल में परफॉर्म करके आया है, जहां से टीम को फखर जमान, शादाब खान, हारिस सोहेल, शाहीन शिनवारी और शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स मिले। तो जिस जिसके पेट में उसकी सिलेक्शन से गड़बड़ हो रही है ना, तो जाके अपने मामू से पूछो कि वो चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं बन सके और जवाब सुनने के बाद खामोशी से टीम को सपोर्ट करो। और अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ परफॉर्मेंस की हद तक क्रिटिसाइज करो बजाय पर्सनल अटैक्स करने के। पर्सनल अटैक से याद आया, पाकिस्तानी फैंस थाली के वो बैंगन है जिन्हें मीडिया जिस तरफ घुमाता है वो घूम जाते हैं और इस हद तक घूम जाते हैं कि सारी तहजीब भी भूल जाते हैं। अभी रिसेंटली सरफराज अपने बेटे के साथ बॉल में घूम रहा था कि वही सरफराज है जिसने हमें अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है और हमारी पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। ठीक है उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो एज अ फैन तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन एक हद में रहकर। पर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस वो लट्टू हैं जिन्हें मीडिया चलाता है, जिस तरफ मीडिया घुमाता है घूम जाते हैं, तो इस शख्स ने भी वही किया और बजाय क्रिटिसाइज करने के पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मायूसकुन थी, इसमें कोई शक नहीं, पर मीडिया में क्या दिखा रहा है? विराट कोहली के एब्स और सरफराज की टोन, और उसके बाद हर कोई सरफराज की फिटनेस पर तबसरा करने बैठ गया। वो भाई टीम सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट होते हैं, डाइट प्लान की जाती है, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं सबको देखने के लिए। जरूरी नहीं हर किसी के एब्स हों, अगर हमारा कैप्टन टोन के साथ भी फिटनेस टेस्ट क्लियर कर रहा है तो मुझे कोई जरूरत नहीं अपने कैप्टन को ऐसे टीम में कैप्टन से कंपेयर करने की जिस नेशन ने खूबसूरती सिर्फ सिक्स पैक एब्स और साइज़ फिगर को समझ लिया है। और जहां तक बात है टीम में फूट की, तो आजकल जितने भी एक्सप्लेयर्स मीडिया पर आके बकबक कर रहे हैं कि टीम में ग्रुप बंदी हो रही है, हम खुद उन मीटिंग्स का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे कि सईद अजमल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि यूनुस खान के खिलाफ ग्रुप बंदी मेरे सामने हो रही थी पर मैं उन प्लेयर्स के नाम नहीं बता सकता। तो अब ऐसे प्लेयर्स के लिए मेरी नजर में अब ना कोई इज्जत रही है और ना मैं समझता हूँ कि नहीं कोई औकात थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि अगर ये वाकई पाकिस्तान के लिए खेलते तो इन साथियों के बारे में बोर्ड को इन्फॉर्म करते और अगर ये वाकई चाहते कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीते तो उन प्लेयर्स के नाम बताते, ना कि मीडिया में आके टीम पर कीचड़ उछालते। खैर आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट से बताओ कि तुम अपनी टीम को कितना सपोर्ट करते हो। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करो। मेरी लास्ट वीडियो ये यहाँ देखो और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।